उड़ान के 12th एपिसोड का स्क्रीन प्ले मुझे खुशी देता है। जो नहीं समझते हो, स्क्रीन प्ले का मतलब है सीक्वेंस ऑफ सीन्स, यानी इस सीन के बाद अगला सीन कौन सा होगा, ये सीन एंड कहाँ होगा और अगला शुरू कहाँ होगा। आजकल जब दो दो साल सीरियल्स चल रहे हैं तो सबसे पहले स्टोरी कोई और लिखता है, स्क्रीन प्ले कोई और डायलॉग्स कोई और। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली स्वयं ही लिख रहे हो सब, तो भी सीक्वेंस ज़्यादातर यही होता है। लेकिन मैंने पाया कि कई बार एक फ्लैश की तरह मोमेंट कोई आपको दिखता है और फिर आप उसके इर्द गिर्द स्टोरी एपिसोड की बनाते हैं। 12th एपिसोड में ऐसा हुआ, मुझे एक मोमेंट दिखा। वो मोमेंट था एक बेटी दुनियावी कामयाबी पाकर अपने बाप को उसी के गढ़ में मिलना चाहती है, और वो मिलते हुए आंखों से ही उसे कह रही है, जो बाप अभी वही कतारों में है, कोर्ट के कॉरिडोर्स में कहीं फोटोस्टेट करा रहा है, कहीं पे नोटराइज करवा रहा है, और वो आंखों से कह रही है, बाबा हम कुछ बन गए हैं अब, और जो तुमने मुझ पे इतनी मेहनत की देखो वो अब रंग लाई है। और विक्रम भी इतनी कंपैशनेटली, इतने कॉमरेडशिप के साथ उसे देखते हैं, और उनके क्लासिक चेहरे पर वो भाव खिलते भी बहुत थे। दूरदर्शन में कुछ ऐसी प्रथा थी कि 13 एपिसोड के लिए अप्लाई करिए, क्वालिटी अच्छी होगी तो एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे अप्लाई करेंगे तो। लेकिन किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया और पर से एक्सटेंशन स्थगित कर दी गई। अब मुझे कल्याणी को फिर उसकी क्राइम ड्राइव की मुहिम से निकालकर मूल कहानी माता पिता के पास ले जाना था, एक क्लाइमेटिक तत्व देने को भी और ये मोमेंट साकार करने को। तो वो जो लेट बाद में बनी स्टोरी उस एपिसोड की और स्क्रीन प्ले चांस से बहुत आनंद देती है। 13th एपिसोड में ऐसा लगता है कि जो हम उम्मीद करते हैं कि कहानी में कुछ रिवेंज होगा वो पूरा हो रहा है। हरदयाल सिंह जो लैंड ग्रैबर लैंड माफिया है, वो कल्याणी के फ्रेंड के रेड्स के बाद घुटने टेक देता है और हार मान रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, कल्याणी पर्सन टू पर्सन पावर का खेल नहीं, और बदलाव चाहिए तो सामूहिक तौर पर सिस्टम में बदलाव लाने के लिए मुहिम करो। ये सीन जो था मैंने विजुलाइज किया था कि सेटिंग सन में कुछ हो, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन वो बारिशों के दिन निकल आए। और मैं सीन लेकर लोकेशन पर जब गई तो मैंने असिस्टेंट्स को कहा, सीन तो लिखा गया पर एंड का मोमेंट मुझे नहीं मिला अभी। और हम शूटिंग शुरू कर दिए, विक्रम जी और मैं सीन कर रहे थे, और कट में मेरा बूम मैन जो स्टूल पर खड़ा ऊपर माइक पकड़े खड़ा था, वो बोला, मैम क्या ये सीन बादल की गर्जन पर एंड हो सकता है? और मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। बूम मैन ने वाकई मोमेंट आकाश से फेंका और सीन उसी पे एंड हुआ, गर्जन पे। बाबा और कल्याणी उस पे रिएक्ट करते हैं, और कट टू अगले सीन में कल्याणी पीपिंग विंडो से इतने सालों के बाद हरदयाल सिंह को देखती है, और वो जो सोलर प्लेक्सिस की टाइटनेस होती है जब हम रंजिश पाल लिए होते हैं किसी से, या एक ट्रॉमा जिससे हमें मिला होता है, वो उसे फील होती है। ये जो हरदयाल सिंह का सीन था, इसकी अपनी रोचक कहानी है। जैसा मैंने बताया था 11th एपिसोड में बैलगाड़ी के सीन के बाद मुझे बुखार हो गया था, तो उस बुखार के बाद मुझे इस सीन की शूटिंग भी करनी थी और लिखना भी था। बुखार उतरा और रात को मुझसे सीन अच्छा लिखा ही ना जाए, अगले दिन सुबह सुबह शूटिंग थी,
तो मैंने अपनी माँ को ये समस्या बताई और मेरी माँ बोली, कोई बात नहीं, ये सीन अच्छा नहीं लिखा जाएगा उतना तो ऐसा ही सही। अगले दिन सुबह सीन अच्छा लिखा गया, सिर्फ मैं शूटिंग पर लेट पहुंची, अमूमन मैं बिफोर टाइम पहुंचती थी, पर उनकी वो सीख कि इम्परफेक्शन से डरो नहीं, ये आज भी सीख रही हूँ। फिल्म मेकर्स की ऐसी एस्पिरेशंस होती हैं कि हर एस्पिरेशन पे दम निकलता है, दम मतलब यहाँ सांस से है, तो दम जब निकलना है निकले, लेकिन डर से ना निकले, वो चाहे सिनेमैटिक एस्पिरेशन ही हो, उसकी इम्परफेक्शन से डरे नहीं। 14th एपिसोड 3 साल के बाद आया, जब उसे एक्सटेंशन मिली और जब आगे का बना, और उसे एकदम धमाकेदार बनाने के लिए डकैतों की मुठभेड़ के लिए ट्रेन की परमिशन ली दिल्ली से, और रात को, वो भी रात को, जहां दो पहाड़ियों को लाइट अप करना था बाबा आजमी ने। सो वॉच द मैजिक ऑफ उड़ान डीडी नेशनल पर संडे सुबह 10 बजे और सैटरडे रिपीट सुबह 10 बजे। धन्यवाद।